बांडवपुर ग्राम में जलदाय विभाग के उदासीनता के चलते पेयजल समस्या से ग्रामीण परेशान। सायला उपखंड के भांडपुर कस्बे में ऐसी भीषण गर्मी में पेयजल किल्लत से लोग परेशान हैं, मगर जलदाय विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में लगे जलदाय कर्मी की लापरवाही के कारण GLR सूखे पड़े हैं, जिससे पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के आम चौटे के महादेव मंदिर के पास बने GLR में जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों के साथ साथ मुख्य मंदिर गोवंश को भी पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं हीर सिंह का बेरा, चतराराम चौधरी का बेरा, मदन सिंह के बेरे सहित कई GLR पिछले एक साल से सूखे पड़े हैं। गांव में नर्मदा की पाइपलाइन आने के बाद भी ग्रामीणों को मीठा पानी पीने को नसीब नहीं हो रहा है, इससे ग्रामीणों में रोष है। पिछले 12 महीने से यहां पे हमारे गांव घर पे टंकी बनी हुई है, मदन सिंह चंदन सिंह नाम से बेरे पे, इसमें पानी नहीं आ रहा है। लाइन मैन का काम सही हुआ था, लाइन बनी हुई है, पहले स्टार्टिंग में पानी आया था, 12 महीने से नहीं आ रहा है। जो अभी लाइन में हेल्पर है उसके ऊपर वैसे पानी नहीं आ रहा है, और ये गांव में भी समस्या है। गांव में कहीं भी पानी की सुविधा नहीं है, सब जगह समस्या ही समस्या है। बाजी के बेरे पे टंकी बनी हुई है, 2 साल हो गए, लगभग उनको 2 साल हो गए हैं। पाइपलाइन 2/9/2019 को पाइपलाइन व टंकी का निर्माण पूरा हो गया था, इसके बाद में पानी नहीं आ रहा था। तब मैंने 181 पे कंप्लेन दर्ज करवाई, प्रिवेदना दर्ज करवाने पे उसके दूसरे तीसरे दिन पानी आया था, फिर से मैंने पानी नहीं आया, वापस मैंने प्रिवेदना दर्ज कराई, तब पानी आ रहा है। कुल मिलाकर जब भी प्रिवेदना दर्ज करवा रहे हैं तब पानी दूसरे दिन तीसरे दिन छोड़ रहे हैं। बाकी खुद है जो जलदाय विभाग का निजी कर्मचारी गाँव में रखा हुआ है, उनको व्यक्तिगत रूप से कई बार बोला हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं छोड़ रहा है। जिस लाइन में पानी जा रहा है वहाँ जा रहा है। गांव में अन्य भी ऐसी कई टंकियाँ हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, और जहाँ पानी जा रहा है वहाँ पानी जा रहा है, बाकी टंकियाँ खाली पड़ी है। और जो गोवंश है वो भी अब गर्मी के कारण प्यासी मर रही है, उधर उधर घूम रही है, लेकिन उनको भी पानी नहीं मिल रहा। गाँव भांडवपुर की समस्या मिली है, तो उन वास्ते एक बार पूरे सिस्टम ने एक बार पात्र चेक करा रहे, पूरा चेक कर, जट पानी नहीं जा रही है, लाइना जोड़ी जोड़ी पानी नहीं जा रही है, तो उन्होंने एक बार पूरा हवड़ चेक कराने, पानी पहुँचाने व्यवस्था करवा, 2-3 दिन में माइन माइन है। और अगर कोई वो जो लागे आदमी तो लागे हुए कर्मचारी है कंपनी रो, और वो नहीं बराबर काम कर रहे तो उन्हें भी हटाना है, अब दूसरे आदमी लगा हुआ और गाँव में सप्लाई सुचारू करा दूँगा।